हाँ, तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। अब आती जाती रहना। अरे हाय, दावत तो ऐसे दे रही है जैसे इसके बाप का घर हो। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, देखो भाई, जब मेरा दामाद मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत से बुलाएगा, मैं तो आऊंगी बिगुल बजा के। और क्या अम्मा, आर्यन तो तुम्हें ही अपनी माँ समझते हैं। अल्लाह ना करे, आर्यन की माँ अभी जिंदा है, ये फाफा कुटनी क्यों होने लगी हम। अरे तो और क्या नहीं समझेगा, मैं भी तो आर्यन से इतना प्यार करती हूँ, और तुम यकीन करो कि आर्यन भी मेरा इतना ख्याल रखता है, कि पूछो मत बिगुल बजा के। माँ क्या बताऊँ, आर्यन तो मेरा भी बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा माशाल्लाह, क्या ऐसी बातें लोगों के सामने मत किया कर, अल्लाह दुश्मनों की बुरी नजर से हम दोनों को बचा कर रखे। आमीन। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। चलो गेट तक छोड़ दो बिगुल बजा के। जब मनहूस कमबख्त मर भी। बाबा चाय। बेटा मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ खामोश खामोश सी रहने लगी हो। नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं। माँ बाप की नजरें हैं औलाद के लिए किसी एक्सरे से कम नहीं होती है बेटा। उन्हें वो सब कुछ भी नजर आता है जो औलाद को खुद नजर नहीं आता। और मैं तो तुमसे वैसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी आपकी मोहब्बत पर शक किया है बाबा? बेटा तुम्हें पता है जिंदगी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या? खुद जिंदगी। अपने अंदर जिंदगी को जिंदा रखना सीखो बेटा, तुम्हारे सारे मसले मसाइल दम तोड़ दूंगे। जी बाबा। खुश रहो बेटा, जीती रहो। चाय तो पी लो। बहुत अच्छी चाय बनाती हो। क्या अम्मा, आप मुझे क्यों नहीं लेकर गई अपने साथ वहाँ? अरे मुंह फुला के ना बैठ, चली जाना किसी वक्त। हैं? मतलब अब हम वहाँ आ जा सकते हैं? तो और क्या भाई, आर्यन मुझे लेने नहीं आया था, इसरार कर रहा था कि खाला अब तो आती जाती रहना। और शबाना खाला, उन्होंने कुछ कहा आपसे? अरे उसकी इतनी जुर्रत है कि आर्यन के सामने वो कुछ बोल दे। तो फिर मैं अभी चली जाऊँ? अरे रुक जा, ब्रेक लगा, चली जाना किसी दिन। तो फिर मैं कब जाऊंगी बिगुल बजा के? है, है। अरे कम बख्त बारी, अपनी माँ की नकल उतार रही है, जूता उतारो। और तेरे अम्मा, ये जूते का मौका नहीं है, खुशी का मौका है, मिठाई खिलाओ मिठाई। कहती तो वैसे ठीक है ये। तुम देखना फरिया, जिस तरह से दोनों घरों में आने जाने का रास्ता खुल गया है ना, एक दिन इसी तरह से हमारे नसीब भी खुल जाएंगे। सलमा खाला की जरा सी देर आ जाने को तुम रास्ता खोलना कहते हो सारे। बारिश का एक कतरा भी तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अपनी खुशबू से मिट्टी को महका देता है। किसे पता ये जरा सा छींटा कब तूफानी बारिश का रूप ढाल ले और अपने साथ सारी मिट्टी बहा कर ले जाए। तुम इतनी मायूस क्यों फरिया? क्योंकि मुझे वो सब कुछ नजर आ रहा है जो तुम्हारी नजरों से ओझल है। क्या देख रही? मुझे भूल जाओ सारे। फरिया, फरिया। अरे शबाना, मैंने तुम्हें है बताना, इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है। ए, ए, कुछ तो बताओ। आराम से बताती हूँ। भाई सुनो, लड़का बहुत खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, बड़ा कारोबार है, जाती दो गाड़ियां हैं, हाई लक्स और शिराड। अरे अपनी फरिया तो गाड़ी चलाती फिरेगी टीप पीप। है इतना अमीर है वो? तो तुम क्या समझी थी
मैं किसी टटपूंजिए का रिश्ता लेकर आऊंगी अपनी फरिया बेटी के लिए? अरे नहीं नहीं, मुझे तुम पे पूरा यकीन था, इसीलिए तो कहा था तुम्हें। तो मैं रिश्ता कब लेकर आऊं? मेरा ख्याल है आज ही ले आओ। भाई मुझे फरिया की शादी जरा जल्दी करनी है। आज शाम को? तो ठीक है। वो शबाना, वो जरा कमजोरी महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा चीनी वाला शरबत तो दे दो। अरे अभी लेके आती। अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ए खाला, बस कुछ ना पूछो, क्या बताऊं, बहुत दिल खराब है मेरा। अरे सलमा, दिल क्यों खराब है तेरा, इसमें ऐसी क्या बात है? अरे क्यों ना खराब हो दिल मेरा है, उस छिपकली का तो तुमने इतनी अच्छी जगह रिश्ता करवा दिया, और मेरी मेहरीन की दफा पता नहीं क्या हुआ था तुम्हें। अरे मेरी मेहरीन तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है, और उस फरिया का और मेरी मेहरीन का क्या मुकाबला भला, बिगुल बजा के। अरे तो मैंने कब कहा कि दोनों का मुकाबला है? अरे मेरी मेरीन बिटिया तो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है कि दिल चाहता है उसे बिठा के देखते रहो। और मैं सच बताऊं सलमा, मुझे मेरीन से बहुत ही मोहब्बत है, तभी तो उसके लिए मैं ऐसा रिश्ता नहीं लेकर आई। क्या मतलब खाला? मतलब ये है कि सारी तारीफें एक तरफ, पर मैं एक बात नहीं बताऊंगी। वो क्या खाला, जल्दी बताओ ना। बताओ, बात करती हूँ खरी, चाहे किसी को लगे बुरी। सच्ची बात ये है कि लड़के पे अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसीलिए तो मैं मेरीन के लिए रिश्ता नहीं लेकर आई, और लड़के की दो बीवियां पहले ही भाग चुकी है। अरे सच खाला? हाँ हाँ सच, तेरे सर की कसम, मेरी जवानी की कसम, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, अल्लाह को मुंह दिखाना है। फरिया, आरफा एक मिनट में आती हूँ। ओके टेक योर टाइम फरिया। सारे मैं अपनी दोस्त के साथ थी, तुम्हें मुझे आवाज नहीं देनी चाहिए थी, क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? I'm really sorry फरिया, लेकिन मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना अभी ना फोन पे, अब मुझे आवाज मत देना, समझ आई? फरिया चल बेटा, अब ये काम वाम छोड़, जा जल्दी से जाके नहा धो ले और तैयार हो जा। और सुनो, तेरा अच्छे से तैयार होना, बड़े लोग हैं वो लोग। जा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी जरा सही से बात करना, अच्छा ये ना हो कोई बात उन्हें बुरी लग जाए। और अपनी उस छमक छल्लो को भी समझाना कि जरा अपनी जबान पे कंट्रोल रखे। अच्छा, कोई ऐसी वैसी बात मुंह से ना निकाल दे। जी अम्मी, अम्मी अगर सलमा खाला को भी बुला लेती तो अच्छा रहता। क्या? अरे वो लड़की देखने आ रहे हैं, जानवर नहीं जो मैं जानवरों का मजमा लगा लूं यहाँ। अम्मी अब आप उनकी तौहीन कर रही हैं। चुप रहे, इस खुशी के मौके पे उस मंदहूस का नाम लेना जरूरी है? हरगिज नहीं बुलाऊंगी उसे। तो फिर अब मेरी भी जिद है, मैं उन्हें खुद लेकर आता हूँ। जाके ले आ उसे, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अभी अगर तू उसे बुलाएगा ना तो मैं तेरे बाप से तलाक ले लूंगी। फिर तू अपना घर बसाए रख, बेशक इस उम्र में तेरी मां का घर खराब हो जाए। थैंक यू। मुझे तो कोई इस घर का फर्ज समझता ही नहीं है। फरिया को लोग देखने के लिए आ रहे हैं और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अच्छा चले, शबाना खाला मुझसे नाराज है, लेकिन फरिया का तो मुझे बताना चाहिए था ना। फरिया ने बहुत गलत किया। और नहीं तो क्या आर्यन,
मेरी और फरीहा की इतनी अच्छी दोस्ती रही है। चले मान लिया कि वो मुझे भाभी नहीं समझती, एटलीस्ट उस दोस्ती के नाते ही बता देती। ये क्या बात की तुम? तुम भाभी हो उसकी और ये बात उसे समझ लेनी चाहिए। हा हा, पता नहीं कब इस घर में मुझे बहू का दर्जा मिलेगा, लेकिन मैं तो खुद को बहू ही समझती हूँ, चाहे ये लोग मुझे अपने घर की बातों में शामिल करें या ना करें। अब तुम कहाँ चली? आर्यन, अब अगर मुझे पता चली गया है तो कुछ इंतजामात वगैरह ही देख लूं। सोच रही हूँ फरीहा को भी थोड़ा तैयार कर दूं, पता नहीं ठीक से तैयार भी हुई होगी या नहीं। तुम बहुत अच्छी हो मेरी, तभी तो मैंने तुमसे शादी की। आर्यन, बहुत उदास लग रही हो। खैर, उदासी की बात भी है, जब दिल कहीं और अटका हो तो किसी और से शादी कैसे की जा सकती है। भाई, हमारी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी सारिन से होती, लेकिन शबाना खालो को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है, सारिन की पढ़ाई खत्म होने का ही इंतजार कर लेती। लेकिन खैर, जो तुम्हारी किस्मत। चलो आओ, तुम्हें अच्छा सा तैयार कर दो भाई, अब आने वालों को तो पता नहीं चलना चाहिए ना कि तुम सोग में हो। आहा, जोड़ा तो बहुत अच्छा है भाई, नाइस, लगता तुम्हारी पसंद का है। काश वो जोड़ा भी मनपसंद लड़के के साथ होता तो कितना अच्छा होता ना। अपनी पसंद नापसंद वालदेन की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं होती भाभी, और वालदेन की इज्जत के लिए मैं जान भी कुर्बान कर दूंगी। क्या करूं, फरिया को कैसे बताऊं उसके साथ क्या होने वाला है? वो तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं, लेकिन मैं तो उसे इस खाई में गिरता हुआ नहीं देख सकता। वो मुझे मिले ना मिले, ये तो किस्मत का खेल है, लेकिन मैं किसी और को, बल्कि खुद फरिया को भी उसकी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मगर क्या, यही तो समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। काश वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं, काश। अम्मा सारिम की शादी फरीहा से नहीं करवाना चाहती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कोई रुकावट नहीं डाली ना। तुमसे किसने कहा तुम्हारा कोई कसूर है? अगर मैं तुम्हें गलत समझता तो तुमसे कभी शादी नहीं करता। जानती हूँ कि आप मुझे गलत नहीं समझते, लेकिन फरीहा तो समझती है ना। फरीहा ने कुछ कहा है तुमसे? मैं अभी पूछता हूँ उससे। आर्यन, नहीं, फरीहा से कुछ नहीं पूछना प्लीज। क्यों ना पूछूं? उसको कोई हक नहीं पहुंचता तुमसे इस तरह बात करने का। वो तो ठीक है आर्यन, लेकिन इस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी है कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। तुम भी ये सब भूल जाओ प्लीज आर्यन। अरे तुम कितनी अच्छी,
बड़ी सी बड़ी बात आसानी से भूल जाती हो। अरे इतने अच्छे नहीं हूं मैं कि दुश्मनों की ज्यादतियां जो है वो बर्दाश्त कर लूं। अरे भूलने वालों में से मैं नहीं हूं। दुश्मन को ले जाकर के ऐसी जगह पे मारती हूँ जहां पानी भी ना मिले बिगुल बजा के। वैसे शबाना तो घर पर ही है और पानी क्या, वो तो शरबत भी पी रही है दबा दबा। घर पे है तो फिर क्या हो गया? उसकी बेटी की जब शादी होगी ना और वो तकलीफें देखेगी ना जब उसकी, तब देखना खून थूक थूक के मरेगी वो बेगल में जाके। हाँ खैर औलाद का दुख तो बहुत बहुत जालिम होता है, इंसान को घुला घुला के मार देता है और पता भी नहीं चलता। हाँ, उसको पता चलेगा, शबाना को पता जरूर चलेगा। अरे भाई मेरी बेटी के साथ इतने जुल्म करती है, जब अपनी बेटी के साथ जुल्म होंगे ज्यादतियां होंगी ना तब पता चलेगा तुम्हारे उस शबाना को। बिगुल बजा के। अभी तो रेडियो बज रहा है। बज ले दो। आर्यन, हाँ मुझे आर्यन से बात करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आर्यन भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो सारिम, क्या बात है? वो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि आर्यन प्लीज जल्दी से बोलो, कुछ जरूरी मेहमान आने वाले। आर्यन भाई मुझे भी इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। आर्यन जल्दी आए, मेहमान आ गए, जल्दी आ जा। सारिम मैं बाद में बात करता हूँ, मेरे मेहमान आ गए। लेकिन आर्यन भाई आप मेरी बात थोड़ी देर के लिए प्लीज। यार इतनी जल्दी क्या, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। अब आर्यन भाई हेलो, बस दो ही बेटे हैं मेरे, ये रुपया पैसा जायदाद सब कुछ इन्हीं का ही है, मेरा क्या पता कब आंख बंद हो जाए। कई बीमारियां लगी हुई हैं, मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में मैं अपने छोटे बेटे का घर आबाद कर दूं। अल्लाह आपको सेहत दे, अरे आप पोते पोतियां देखेंगे। मुझे आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप मुझ पे एतमाद कर सकती हैं। आप मेरी बहू से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं कि मैं कैसी सास हूँ। अम्मी तो बहुत प्यारी हैं, बहुत नाइस हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और मुझे तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मेरी सास है। हाय कितनी खुशकिस्मत है आप, वरना कहाँ होती हैं आजकल के दौर में ऐसी सासें। मेरी तरह किचन में जाके देखो, फरिया अकेले चाय बना रही है। जी आपकी कारोबार की क्या नौयत है शुजा साहब? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। अच्छा मेरे